सुंदरनगर के BSL पुलिस थाना के तहत निहरी पुलिस चौकी के तहत कोटला नाला में सोमवार देर शाम को एक पिकअप जीप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में लुढ़क गई। इस हादसे में जीप चालक सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। इन्हें उपचार के लिए निहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां पर जीप चालक एवं मालिक को गंभीर अवस्था के चलते IGMC शिमला के लिए रेफर कर दिया गया है। निहरी पुलिस चौकी ने सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कोटला नाला के पास पिकअप जीप सोमवार शाम को अनियंत्रित होकर करीब 300 फीट नीचे गहरी ढांक में जा गिरी। इस हादसे में जीप चालक एवं मालिक परमेश कुमार पुत्र कोलाराम निवासी गाँव गड़ाहच, भागचंद पुत्र हाडूराम निवासी रकोल और जगदीश कुमार पुत्र प्रकाश निवासी गांव रकोल घायल हो गया है। हादसे का पता चलते ही स्थानीय लोगों ने घायलों को ढांक से निकालकर उपचार के लिए निहरी सामुदायिक केंद्र में पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए सभी को शिमला स्थित IGMC के लिए रेफर किया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। DSP भारत भूषण ने बताया BSL थाना पुलिस हादसे को लेकर जांच कर रहा है।